आज राष्ट्रीय योगी सेना कार्यकर्ता मोहन शर्मा द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि गाय जो शाम के 5 बजे तक स्वस्थ अवस्था में थी, 9B फेज 2 प्लॉट नंबर 375 में मृत अवस्था में पड़ी है, जिसकी सूचना राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश मंत्री नितिन वर्मा को दी गई। उन्होंने तुरंत संज्ञान में लेकर नगर निगम गौशाला को फोन करके उस मृत अवस्था में पड़ी गाय का अंतिम संस्कार पूर्ण विधि विधान से कराया, जिसमें नितिन वर्मा, प्रदेश मंत्री, राष्ट्रीय योगी सेना वरिष्ठ कार्यकर्ता मोहन शर्मा तथा उनकी समस्त टीम तथा अन्य 9B बुद्धि विहार के लक्ष्य सक्सेना, देवेंद्र चौधरी, विनोद पंत, सुरेश कुमार, मनुजी आदि लोगों का सहयोग रहा। यहाँ पर एक सेक्टर 9B प्लॉट नंबर 375 के में एक गौवंश मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जो 5 बजे बिल्कुल सही स्थिति में था। उसके बाद मैंने नगर निगम दिलचार जी को फोन करा और हमारे नगर निगम के भाई आए, इनका बड़ा सहयोग रहा। इन लोगों ने आकर उसे गौवंश को दफनाने के लिए, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया जा रहा है। नितिन वर्मा जी के, अच्छा अच्छा जी, तो अभी इस गाय को आप जो ले जा रहे हैं, इसका दाह संस्कार किस तरीके से किया जा रहा है? सर, ये वहाँ टेंशन ग्राउंड में जाएगी साहब, इसको जेसीबी से गड्ढा करके वहाँ दबा लगाया जाएगा। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। ये गाय हमारे 4 बजे बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में थी, और जैसे कि अभी हम शाम को जब वॉकिंग के लिए निकले तो पता चला ये 7-7.30 बजे करीब मृतक अवस्था में प्लॉट नंबर 375 के सामने मृतक घोषित पाई गई, जिसकी दाह संस्कार की हमने गांव में मालूम भी किया, जिसका मालिक का कोई पता नहीं चला, जिसकी इमेज में हमने योगी सेना के अध्यक्ष श्री नितिन वर्मा जी से संपर्क किया और नितिन वर्मा जी द्वारा इस गाय का दाह संस्कार किया गया। हम सभी हिंदू भाइयों से अनुरोध है कि इस तरह गाय की रक्षा करें और गाय की सेवा में जो भी हो सके उसको निरंतर प्रयास करें। हम नितिन वर्मा जी के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जय श्री राम।